हेलो गाइस, तो रेसिपी देख के आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैंने क्या बनाया है। तो जी हाँ, ये मैंने फ्लफ़ी ऑमलेट बनाया है, साथ में हाफ फ्राई बनाया है और ये बनाना बहुत ही आसान है। तो वेलकम टू इंडियन फूडीज़, मैं नेहा मिश्रा आपका इंडियन फूडीज़ में स्वागत करती हूँ। तो चलिए रेसिपी बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक बड़ा प्याज लिया है, साथ में मैंने दो हरी मिर्च लिया है, तीखा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा। साथ में मैंने गाजर लिया है थोड़े से, आप कोई भी सब्जी अपने मनपसंद ऐड कर सकते हैं। मैंने लहसुन डाला है, अदरक भी आप डाल सकते हो लेकिन वो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ही पड़ेगा। अब इन सबको मैं अच्छी तरह से क्रश कर लूँगी। तो मैंने चॉपर से इसको कट कर लिया है, तो आप देख सकते हैं कि ये महीन हो चुके हैं। तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो बाउल में मैंने तीन अंडे लिए हैं, इसके बाद से इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, साथ में हम थोड़ा सा पेरी पेरी मसाला ऐड करेंगे। मसालों की लिस्ट जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और इसके अलावा थोड़ा सा चिली फ्लेक्स मैंने ऐड किया है, ऑरेगानो ऐड की, बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। और तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो मैंने पैन गरम कर लिया है, उसमें मैंने बैटर को ऐड कर लिया है। उसके बाद से हम इसमें थोड़ा सा पनीर चीज़ ऐड करेंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा। साथ में थोड़ा सा धनिया पत्ती डालेंगे, इसको हम रोल कर लेंगे, फिर हम बैटर बिछाएंगे और जितनी मैंने वेजिटेबल कट की थी उसको भी इसमें ऐड कर देंगे और इसे इसी तरह से रोल कर लेंगे। रोल करने के बाद से चलते हैं हाफ़ फ्राई बनाने के लिए। तो मैंने एक हाफ़ फ्राई बनाया है, यानी बाय वन गेट वन फ्री की तरह से। इसके बाद से हम इसमें नमक और मसाले थोड़े से ऐड करेंगे और अब हम इसे सर्व करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे टमाटो सॉस के साथ भी आप इसे खा सकते हैं और ये देखने में खूबसूरत भी लग रहा है। तो अगर आपको मेरा ये 2 मिनट का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें ताकि जो भी मैं बनाऊं वो आपको अप टू डेट मिलता रहे। और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।